हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। जैसा कि नवंबर मंथ WWE और उनके फैंस के लिए काफी बड़ा होने वाला है, वजह आप सभी जानते हैं। नवंबर की शुरुआत में क्राउन जूल इवेंट दिखने वाला है और फिर उसके बाद सर्वाइवर सीरीज WWE के चार सबसे बड़े PPV में से एक है, जिसको बेहतरीन बनाना WWE के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट ईयर हमने टीम रॉ वर्सेज टीम स्मैकडाउन के सुपरस्टार के बीच मैच देखा था, क्या इस बार भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला है? क्या आने वाले स्मैकडाउन के 1000वें एपिसोड में रॉ स्मैकडाउन के शो को हाईजैक कर सकती है? इन्हीं सब पर नजर डालेंगे, मैं अपना ओपिनियन आपके सामने रखूंगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। मुझसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बात करूं क्राउन जूल इवेंट की, तो अभी इस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में WWE इस पे ऑफिशियल बयान दे सकती है। तो अभी तक तो हम यही मान के चल रहे हैं कि ये इवेंट होने वाला है। जैसा कि लास्ट ईयर हमने सर्वाइवर सीरीज से पहले देखा था कि पहले स्मैकडाउन ने रॉ के शो में घुसकर पूरे रॉ के रोस्टर की तोड़ाई करी थी। शायद WWE फैंस ऐसा ही कुछ इस साल भी देखना चाह रहे होंगे, बट आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में WWE स्मैकडाउन का 1000वां एपिसोड लाइव करेगी, जिसमें बड़े बड़े सुपरस्टार हमें दिखने वाले हैं। इस एपिसोड से रिलेटेड कुछ ऐसे रूमर्स सामने आ रहे हैं कि शायद इस एपिसोड में रॉ इस बार सर्वाइवर सीरीज के लिए स्मैकडाउन रोस्टर पर अटैक कर सकती है। अब ऐसा होगा या नहीं, मे बी हो जाए, बट मैं इस पर अपना ओपिनियन दूंगा कि इस साल ये पॉसिबल है या नहीं। वैसे आप सभी को बता दूं कि स्मैकडाउन के 1000वें एपिसोड में रॉकी साइड से कर्ट एंगल, ट्रिपल एच या और भी चैंपियंस वहां दिख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि रॉकी 25th एनिवर्सरी पे भी स्मैकडाउन के स्टार वहां दिखाई दिए थे, खास करके जो उस टाइम चैंपियन थे। अब जब स्मैकडाउन का 1000वां एपिसोड होना है, उसके कुछ दिनों बाद ही सर्वाइवर सीरीज है, जिसमें हमें चैंपियन वर्सेज चैंपियंस के बीच मैच दिख सकते हैं। तो शायद हमें इस एपिसोड में कुछ ऐसा दिखे जिससे WWE चैंपियन वर्सेज चैंपियंस के बीच का बिल्डअप स्टार्ट कर सके। अब आते हैं कि टीम रॉ वर्सेज टीम स्मैकडाउन वाली बात पर, तो मुझे लगता है कि इस बार सर्वाइवर सीरीज में ये होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। उसका रीजन है कि जहां तक मुझे लग रहा है कि रॉ ब्रांड से दो सुपरस्टार के बीच टीम बना के मैच हो सकता है, या ऐसा ही कुछ हमें स्मैकडाउन से होता हुआ दिख सकता है। ऐसा हमें पहले भी देख चुके हैं, तो मुझे इसकी उम्मीद कम लगती है कि रॉ के रोस्टर स्मैकडाउन के 1000वें एपिसोड में ऐसा कुछ कर सकते हैं। बट अगर WWE चाहे तो कुछ भी कर सकती है, और अगर WWE का इस बार सर्वाइवर सीरीज में ऐसा ही कुछ करने का प्लान है, तो शायद स्मैकडाउन के 1000वें एपिसोड में ऐसा होता हुआ हमें दिख जाए, बट मुझे इसके चांसेस थोड़े कम नजर आते हैं। मुझे लगता है कि इस बार सर्वाइवर सीरीज में किसी ब्रांड से इंटरनल दो टीम बनेंगी सुपरस्टार के बीच, और उन्हीं के बीच मैच दिखने वाला है। तो शायद ये रूमर्स जिसमें कहा जा रहा है कि स्मैकडाउन के 1000वें एपिसोड में रॉ स्मैकडाउन के सुपरस्टार पर अटैक कर सकती है, तो शायद ये रूमर्स बनकर ही रह जाएं। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पे नकल छफल फिनोमिनल फॉर आर्म मारकर चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से थैंक यू।